हरिओम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आजकल जो श्रद्धांतरण का विषय जो चल रहा है, छिन्नी छोरी द्वारा कई साधकों का श्रद्धांतरण करवाया गया और कोशिश अभी भी जारी है, इतना सब होने के बाद भी। और बहुत साधक आज पूरे देश भर से एक आवाज उठ रही है, कई साधक मतलब इसमें एक दुखी है, आहत है कि हमारे गुरुदेव के सिद्धांत के खिलाफ जाकर कहीं ना कहीं ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो एक बहुत रोष है साधकों में। और आप देख रहे हैं कि लगभग 1-2 महीने से इसमें कितनी मतलब काफी ऐसे बातें खुलकर सामने आ रही है। आज हमारे साथ यहाँ पे कैलिफोर्निया यूएसए से श्रुति भार्गव जी जुड़ी है। आज श्रुति भवन भी अपना कुछ अनुभव इस विषय में अपना यहाँ कुछ अनुभव साझा करना चाहेगी। मैं स्वागत करता हूँ श्रुति भार्गव जी का, जो कैलिफोर्निया हरिओम यूएसए से। श्रुति भवन भैया आपको जी, हरिओम हरिओम। जी, हरिओम हाँ भैया। श्रुति भवन, आप इसमें क्या क्या आपका क्या अनुभव है जो श्रद्धांतरण अभी चल रहा है? जी और भैया, आप हाँ पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद भैया कि आप पूरी हिम्मत के साथ गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ये काम करने में लगे हुए हैं, सेवा करने में। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जी, मेरा आपको भी कुछ बहुत बहुत अनुभव, साधुवाद है। हाँ, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने स्वयं इस बात को सामने रखने के लिए मतलब आप ये हुई उत्सुक ये थी। मतलब मैं बता दूं सबको कि श्रुति भवन ने स्वयं मुझे संपर्क करके अपनी बात रखने की इच्छा यहाँ पे मतलब व्यक्त की थी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए। जी, मेरा ये अनुभव है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ऐसा ऐसा अनुभव वाटिका में अनुष्ठान करने आई बहुत सारी बहनों का है ये अनुभव, मुझे पता जी है। और सब लोग अब एक दूसरे के साथ ये बातें शेयर कर रहे होंगे, कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर भी ये बातें बताते हैं। तो मेरा ये अनुभव रहा कि मैं 2 बार वाटिका में और 1 बार महिला आश्रम में अनुष्ठान के लिए गई थी। तो जी मैं अनुष्ठान के लिए गई तो महिला आश्रम में ही थी 3 बार, पर उन्होंने मुझे 2 बार रिसेप्शन से ही ये कहकर वाटिका भेज दिया कि महिला आश्रम में जगह नहीं है। जी तो मैं महिला आश्रम में गई थी, पर फिर मुझे वाटिका भेज दिया गया। फिर वाटिका में जाने के बाद मैंने ये अनुभव किया कि वहां पर वो जगह सिर्फ साधना अनुष्ठान के लिए ही बनाई गई है। वहां पर 2 बिल्डिंग्स हैं, एक में मैया जी रहती हैं और एक में बाहर से आई हुई बहनें जो कि वहां पर साधना करने आती हैं। पर वहां पर माहौल साधना करने जैसा मुझे लगा ही नहीं। जी वहां पर श्रद्धांतरण का काम होता था, जैसे जो बाहर से कुछ कुछ बहनें तो जो बाहर से अनुष्ठान करने आई हैं, और कुछ वहां पर छोरी की एजेंट्स रहती थी जो कि बाहर से आई हुई बहनों को श्रद्धांतरण करना चाहती थी उनका। जी तो जैसे कि उनको छोरी की मैगजीन का सदस्य बनाना चाहती थी, और जब वो अपना जाप करने हो या अनुष्ठान करने बैठे हैं तो उनको उठा उठा के, लिटरली उनके हाथ पकड़ के उठा के कि चलो चलो छोरी के दर्शन करो। जी तो बहुत मुश्किल होती थी जाप करने में, साधना करने में। आप इतनी दूर दूर से लोग आए हैं अपने साधना करने के लिए गुरुद्वार पर, और उनके साथ ऐसा होता है। तो इन सब से यही लगता था कि वो लोग खुद तो साधना नहीं करना चाहते थे और दूसरों के लिए भी विघ्न डालते थे। सारा दिन वो लोग वाटिका के गेट पर खड़े रहते थे, मेन गेट पर, कि चलो छोरी के दर्शन करना है। जो लोग नहीं जाते थे उनको बहुत परेशान करते थे कि उठो उठो ऐसे। और जब सेवा का समय होता था तो छोरी का महिमा मंडन भी करते थे वो लोग कि वो ऐसी हैं वो ऐसी हैं। और गुरुदेव की कृपा से मैं तो इन सब से बच गई। मुझे क्या पता अंदर से ऐसी कुछ प्रेरणा होती थी कि ये सब कुछ तो वैसा यहाँ पर नहीं है जैसा कि बापूजी हमें सत्संग में बताते हैं। जी हमें तो अपनी अपनी साधना को, अपनी सेवा को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, और ये यहाँ पर तो सिर्फ चंचलता है, बस यहाँ वहाँ घूमना, बातें करना, मौन भी नहीं रखना, और इस टाइप से वहाँ का माहौल जैसे आसुरी माया, एक शब्द जो प्रेम जी ने यूज किया है अपने लेटर्स में बार बार, वो उसका मैंने वहां पे प्रत्यक्ष उस चीज को देखा है। पूरा वहां पर आसुरी माया का माया जाल फैला हुआ है
और वो लोग श्रद्धांतरण करके उस जाल में बहनों को फंसाते थे। जी कल आपने एक और बात कही थी, कल जब आपका फोन आया आपने बताया था कि कुछ उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते थे, कुछ बॉय मतलब आपके सामने कुछ बहनें आई थी गिफ्ट लेके, फिर वो क्या उन्होंने प्रतिक्रिया उनकी कैसी रही, क्या रिएक्शन रहा उनका? जी हाँ, ये 2002 की बात है, जब मैं अपनी मम्मी के साथ महिला आश्रम में गई थी। वहां पर मैं आप तो कह रही थी आप यूएसए में अभी है तो उस समय शायद जी हाँ, उस वक्त मैं लगभग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी उस वक्त, ये तब की बात है। जी हाँ, ऐसी कुछ 11th में या ऐसे 10th में पढ़ती हूँ, ये 2002 की बात है। तो मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, मैं तो उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थी जब ये इंसिडेंट हुआ, तो पर मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, तो उसके बाद से मतलब हमको ये लगा कि बापूजी जो बताते हैं ऐसा तो नहीं है यहाँ पर, तो थोड़ा हमको सावधान रहना चाहिए पाप में पड़ने से। तो वहां पर ऐसा हुआ था कि एक बड़ा सा हॉल था और उसमें मैया और छोरी बैठे हुए थे और बहुत सारी बहनें नीचे बैठी हुई थी, और उनमें से कुछ बहनें उनके लिए कुछ गहने गिफ्ट करने के लिए लाई थी, जैसे कि पायल या कान के बूंदे, अंगूठियां और ऐसे ऐसी चीजें। तो वो उसको बहुत ध्यान से देखती थी कि अगर कोई चीज पतली छोटी है तो उसमें अच्छा रिएक्शन नहीं देती थी, और कोई चीज भारी है तो बहुत ही खुश हो जाती थी। तो एक गरीब महिला के द्वारा लाई हुई एक बहुत ही पतली पायल थी, ऐसा मेरी मम्मी ने मुझे बताया, तो उसको देखकर उन्होंने बहुत ही बुरा रिएक्शन दिया, और ये देखकर मेरी मम्मी को बहुत ही बुरा लगा। तो ये बात उन्होंने मुझे आके बताई, पर हमने कभी किसी को ये बात बोली नहीं, पर मम्मी ने कहा कि तुम थोड़ा मतलब सावधान रहना, हमें जो बापूजी सत्संग में बताते हैं उन्हीं बातों पर पूरी निष्ठा के साथ कायम रहना। तो ये एक अनुभव था जी। चलो ये तो बहुत है, 2002 की बात बताई आपने, और तभी से और उन्होंने स्वयं कहा भी है कि मैं 20 मतलब अभी 3 साल पहले उनका आया था बयान मीडिया के सामने कि मैं 17 साल से संस्था से अलग हुई हूँ। तो आप जो कह रहे 2002 की बात, तो सही 20 साल तो हो ही गए उनको अभी, 2000 करीब करीब 2001 से वो अलग ही है संस्था से। जी हाँ, 2002 में वो महिला आश्रम में ही, जब मैं 2002 में गई थी तब छोरी और मैया जी महिला आश्रम में रहते थे, पर फिर उसके बाद जब मैं गई तब मैं हमेशा मुझे वाटिका भेज दिया गया, तो उस वक्त छोरी तो पता नहीं कहाँ रहती थी, वो उनका कुछ अलग ही रेसिडेंस है मुझे नहीं पता उसके बारे में, पर मैया उस वक्त वाटिका में रहती थी। बराबर, चलिए बहुत बहुत, और कुछ बताना है श्रुतिमान, और कुछ है यार? भैया बस मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरुदेव ने वो दिन हमें याद करें जब गुरुदेव ने हम सबको दीक्षा दी थी। बिल्कुल, कितनी करुणा कृपा करके गुरुदेव ने हमें दीक्षा दी थी, मतलब हम ना उस लायक हैं और ना थे, और पर गुरुदेव ने गुरुदेव को हमसे कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने सिर्फ हमारे कल्याण के लिए हमें दीक्षा दी थी। उस दिन को हमें याद करना चाहिए, और आज हम कहाँ हैं और फिर आगे हमारा क्या होगा, अगर कोई ऐसी आसुरी माया के चक्कर में पड़ेगा तो उसका आगे क्या होगा। तो अपने आसपास जो जो जिन लोगों का श्रद्धांतरण हो गया है, जो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनको मैं ये बोलूंगी कि अपने आसपास का माहौल देखिए, क्या वो शास्त्र अनुसार है, क्या वो सत्संग के अनुसार है जो बापू जी ने हमको इतने सालों में सिखाया। अगर आप थोड़ा भी विवेक बुद्धि से उस माहौल को देखेंगे तो आप उसके बाहर आ पाएंगे, वो माहौल अच्छा नहीं है। बिल्कुल जी, सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद भैया।